आवश्यकता को देखते हुए माननीय मुख्यमंत्री के द्वारा आकाशीय रज्जू पथ का उद्घाटन आज के दिन किया जाएगा। उसके पहले कई माननीय हमारे बीच गणमान्य अतिथि रूप के रूप में हमारे बीच विराजित हैं, उपस्थित हो चुके हैं और हम सब एक साथ प्रतीक्षारत हैं कि यहाँ पर हमारे माननीय का आगमन होगा और उसके बाद विधिवत कार्यक्रम का आगाज होगा। हमने देखा है कि मलबार महोत्सव का भी जब आयोजन होता है तो एक से बढ़कर एक, भले ही बहुत ही अगर पटना से बात करें, राजधानी से बात करें तो यह जिला निस्तेज बहुत ही दूर अवस्थित है, किंतु जब महोत्सव का आयोजन होता है और इतनी भारी तादाद में लोग आते हैं, बड़े बड़े कलाकार आते हैं, प्रतियोगिताओं का आयोजन होता है, तब कहीं नहीं लगता कि यह पटना से बहुत ही दूर यह जिला अवस्थित है। उस वक्त यहाँ की रौनक और देखने में बनती है और खास करके विभिन्न धर्मों के जो श्रद्धालु हैं वो जब यहाँ आते हैं और ऐसा लगता है कि चारों तरफ भक्तिमय वातावरण और सभी भक्ति रस में गोता लगाते हुए यहाँ पर आनंदित होते हैं और अपनी अपनी आस्था को प्रकट करते हैं विभिन्न रूपों में। और यहाँ पर बहुत ही प्रसिद्ध है पापहरणी तालाब और जहाँ पर की विष्णु और लक्ष्मी जी की का मंदिर है, वहाँ भी लोग इस पापहरणी तालाब में डुबकी लगाने के पश्चात पूजा अर्चना करते हैं। और साथ ही अगर हम बात करें तो जब मंदार पर्वत पर लोग जाते हैं तो वहाँ पर जैन धर्म के प्रतीक के रूप में जैन धर्मावलंबियों का जो मंदिर है वहाँ पर न सिर्फ जैन धर्मावलंबी जाते हैं बल्कि हमारे हिंदू धर्म अन्य धर्मों के लोग भी जाकर आस्था प्रकट करते हैं। जी हाँ, और इसीलिए यह मंदार पर्वत विश्व प्रसिद्ध है। और आज यहाँ पर उपस्थित होने वाले हैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय, माननीय उप मुख्यमंत्री महोदय, नहीं यहाँ पे तो आई नहीं है।
वो बोला कि जा रहे हैं वहां से और ये वीडियो कर के मैंने विचार लगा देगा यहाँ पर तो करना मैंने तो नहीं रखा दोनों पर विचार दिया अभी ट्रेन वगैरह सब कुछ है इसको करना पड़ेगा फिर आपको बताइए यार क्या सब कर दिया नहीं मिलता बहुत टेस्ट कम हो रहा है सब पूरा जीता पहले बार तो कम है कभी ज्यादा नहीं जान की भी उसकी पूरी की डॉक्टर
आप
जीना मंदार पर्वत हमारी महान विरासत सागर मंथन का साक्षी है और थोड़ी थोड़ी दृष्टि ऐसी पौराणिक गाथाएं रही हैं कि सागर मंथन के उपरांत अमृत सहित 14 प्रकार के रत्न जगत को प्राप्त हुआ। जी हाँ, कालांतर में मंदार पर्वत के प्रांगण में गजेंद्र धर्म संप्रदाय के आराधना स्थलों का विकास हुआ। जी हाँ, प्रमुख रूप से वैष्णव पंथ दिगंबर जैन धर्मावलंबी, बौद्ध सफा धर्मावलंबी, आदिवासी वनवासी बंधुगण सहित नाथ संप्रदाय, शावक संप्रदाय एवं समीप में ही सूफी संप्रदाय कैरी शरीफ का विकास हुआ। जैन धर्म के